हमारे पास है, हमें एनटीए से करना है 10th क्वेश्चन में, साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जो पावर 8 है ये हमने 10th में भी सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, पावर 4 को 8 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे, वैसे ही हम इसको करते हैं। तो इसको हमने लिख दिया साइन की पावर 4 का स्क्वायर, इसको लिख दिया कॉस की पावर 4 का स्क्वायर। नीचे वाले कुछ मत करो, नीचे वाला भी कट जाएगा, देना मैं अभी सिंप्लीफाई करते करते ना नीचे वाले टर्म को काट दूंगा, ठीक है। चलो तो ये कर लिया सबसे बेसिक स्टेप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये आ जाएगा साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x अपॉन 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो प्लस वाले में भी कुछ मत करो, ये माइनस वाला हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे समझ रहे हो, तो ये क्या आ जाएगा साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x अपॉन मल्टीप्लाई, सॉरी इसको लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डी एक्स अपॉन। इसको क्या लिख सकते हैं, चलो एक तरीका हम यूज करते हैं, मैं साइड में करके दिखाता हूँ इसको हम क्या लिख सकते हैं। अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का ऐसी होल स्क्वायर ओपन कर दूँ, मेरा मन कर रहा है मतलब ऐसी ओपन करने का, ठीक है, क्योंकि मुझे पावर 4 और पावर 2 में कोई रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर यानी साइन की पावर 4x प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस की पावर 4x प्लस का 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर इस टर्म को इधर भेज दिया जाए LHS में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, देख पा रहे हो। अगर मैं इसको इधर कर दूं तो जो डिवाइड में लिखा है, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वो किसके बराबर है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, तो इसको रख दो यहाँ साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, तो ये और ये कट गया ना, हो गया खेल खत्म इसका, ठीक है। तो जो बड़ा सा टर्म था वो कट गया। अब देखो बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो फाइनली बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर आपने अभी फॉर्मूला नहीं पहचान पाया तो आप टफ कर लोगे, अगर आप फॉर्मूला नहीं पहचान पाए तो साइन स्क्वायर का आप सोचोगे कैसे करें कॉस टू थीटा वाले फॉर्मूले से, फिर कॉस स्क्वायर का सोचोगे कॉस टू थीटा, फॉर्मूला पहचानने की कोशिश करो। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो कॉस का टर्म मेरा पॉजिटिव बन जाएगा और साइन वाला टर्म नेगेटिव बन जाएगा, ये किसका फॉर्मूला है, अब ये बहुत आसान हो जाएगा, क्या ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, माइनस तो कॉस टू एक्स का इंडिशन क्या होगा साइन टू एक्स अपॉन टू प्लस का सी, तो इसका आंसर ये आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 10, तो 10 का आंसर है माइनस 1/2, वो तो एक ही बात है साइन टू एक्स डी एक्स, ठीक है प्लस का सी। अब देखो 11th क्वेश्चन,